दोस्तों, मैं अजय सिसोदिया आप सभी का हमारे चैनल एमपी लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सारी थेरेपीज़ के बारे में सुना होगा जो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लेते हैं। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, उसी तरीके से कुछ पैरेलल थेरेपी आ गई हैं। कलर थेरेपी आ गई है, आर्ट थेरेपी आ गई है, और म्यूज़िक थेरेपी जो बहुत समय से भारत में है लेकिन अभी भी वो अपनी जगह कहीं तलाश रही है। हमारे साथ है दिलीप मणि जी। दिलीप मणि, जिन्होंने भारत में पहली बार स्पेशल चाइल्ड के साथ पहला एल्बम शूट किया था, पहला एल्बम पूरे भारत में दोस्तों, और मध्य प्रदेश के पहले म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं। दिलीप मणि जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। नमस्कार। दिलीप मणि जी, मेरा सवाल यह है कि म्यूजिक थेरेपी है क्या, और यदि ये इतनी ही इफेक्टिव है, इतनी ही कारगर है, तो अभी भी लोगों में जागरूकता क्यों नहीं है? देखिए, क्या है म्यूजिक थेरेपी का बड़ा बेसिक डेफिनेशन ये है। म्यूजिक हम सुनते हैं, माइंड रिलैक्स होता है, ये होता है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक एक्चुअली हमारे लाइफ का हिस्सा हमेशा रहा है, लेकिन हम अक्नॉलेज आज तक हमने नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखें, हम बहुत थके रहते हैं, कुछ गाना, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, ये म्यूज़िक थेरेपी है। हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन म्यूज़िक को कभी हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। ये मतलब ये मान लें हमारी गलती है या हम करना नहीं चाहते हैं। तो म्यूज़िक कहते हैं ना कि हमारा हमारी लाइफ का एक हिस्सा हमेशा रहा है, और इसी तरीके में इसको अगर थोड़ा सा और आगे ले जाएं और एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हम म्यूज़िक को प्रॉपरली डिफाइन करके बना के जब सुने तो एक हीलिंग प्रोसेस होता है, और म्यूज़िक थेरेपी के आउटकम्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बिहेवियर इश्यूज हैं, अटेंशन फोकस का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक कॉन्सेप्ट मैंने खुद डेवलप किया है, इस कॉन्सेप्ट के तहत एक 24, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे को मैं चार हिस्से में डिवाइड करके सुबह, दिन, शाम और रात को हमारे इंडियन क्लासिकल के कुछ रागों को यूज़ करके खुद म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ, और जब इन म्यूज़िक को इन बच्चों को जब मैं सुनाता हूँ तो एक हीलिंग प्रोसेस होता है, और इन बच्चों में ग्रेजुअली धीरे 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 बहुत इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। मेरा पूरा काम ऑनलाइन होता है, सो दैट कि पेरेंट्स को बड़ा इजी रहता है, कहीं मुझसे डायरेक्ट आके मिलने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक ये है कि पूरे वर्ल्ड में, यूएस हो या सिंगापुर हो, हर जगह मेरे बच्चे हैं जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ, मुझसे कनेक्टेड हैं, और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स और आउटकम्स आ रहे हैं। इस तरीके से मेरा काम होता है पूरा म्यूज़िक थेरेपी का। तो जो बच्चे ठीक हुए हैं अभी तक, उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास हैं क्या? देखिए, पहली बात तो यह है, हर हफ्ते, हर 7 दिन में मेरे बच्चों को मैं मॉनिटर करता हूँ बकायदा एक फॉर्मेट पे, और उनका एक रिव्यू और फीडबैक हर 7 दिन में होता है। क्योंकि कुछ प्राइवेसी की बातें आती हैं तो इनको मैं ओपनली रिवील नहीं कर सकता, एक तो ये हो गई। दूसरी बात, देखिए, मेरा एक फेसबुक पेज है, उसको अगर आप जाके देखें तो उसमें इन बच्चों के द्वारा किए गए आर्टिस्टिक कलरिंग हो, ड्राइंग हो, या कुछ एक्टिविटीज़ हो, एकेडमिक्स हो, राइटिंग हो, ये सब के वीडियोस, पिक्चर्स, सब कुछ डले हुए हैं। आफ्टर म्यूज़िक थेरेपी या म्यूज़िक थेरेपी चलते हुए भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो लोगों को उससे काफ़ी समझ आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि म्यूज़िक थेरेपी से कैसे ये बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अभी तक कितने बच्चे म्यूज़िक थेरेपी आपसे ले चुके हैं, और उसमें जो रिज़ल्ट आए हैं वो कितना परसेंटेज वो है, वो बच्चे हैं जो कि ठीक हुए हैं, जिनको फ़ायदा हुआ है? जी देखिए, पहले समझने की ये ज़रूरत है कि म्यूज़िक थेरेपी ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज म्यूज़िक थेरेपी स्टार्ट किया और कल रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। म्यूज़िक थेरेपी में एक लंबा सफ़र होता है मेरे साथ, और आज अगर आज का डेट, आज के डेट में मैं बताऊं तो मेरे मुझसे 6,156 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड से। 6,156 बच्चे टोटल मुझसे जुड़े हुए हैं, और म्यूज़िक थेरेपी का सफ़र अभी भी मेरे साथ चल रहा है। इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होता रहता है इनका, और चेंजेस आते रहते हैं इन बच्चों में। हर बच्चा बिल्कुल पॉजिटिव चेंज हर बच्चे में आता है, पहली बात ये समझ लें। देखिए,
इम्प्रूव तो हर बच्चा करता है, कुछ बच्चे जल्दी इम्प्रूव करते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से टाइम लेते हैं। अब उसके पीछे ये रहता है, देखिए हर बच्चा डिफरेंट बच्चा होता है, हर बच्चा म्यूज़िक को सुन के डिफरेंट रिएक्शन देता है, इसीलिए मुझे हर हफ्ते इन बच्चों को मॉनिटर करना पड़ता है, रिव्यूज़ एंड फीडबैक लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा इम्प्रूव नहीं करेगा, बच्चा हर बच्चा इम्प्रूव करता है। जैसे मेरे पास केसेस हैं जहाँ कुछ बच्चों ने 3 दिन में इम्प्रूवमेंट शो किया है, वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 45 दिन के बाद इम्प्रूवमेंट शो किया है। तो ये होता है क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है। अब जैसे कुछ बच्चे इतने इम्प्रूव कुछ बच्चों ने कर लिया है, जैसे अभी मुंबई में एक मेरा बच्चा है, 6-8 महीने हो गए म्यूज़िक थेरेपी स्टार्ट करे, उसका कम्युनिकेशन लेवल इतना इम्प्रूव हो गया है कि वो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करता है और बोलता है, अंकल मैंने म्यूज़िक सुन लिया है, आप मेरा म्यूज़िक कब चेंज करेंगे? अब इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और क्या चाहिए हमें, बताइए। बच्चे में एक इंडिपेंडेंट लिविंग आ रही है, बच्चा खुश है, अपना काम कुछ हद तक अपना खुद कर रहा है। किस तरीके के रोगों में म्यूजिक थेरेपी कारगर है? जी, ऑटिज़म में म्यूज़िक थेरेपी बहुत हेल्प करता है। ऑटिज़म है, मेंटल रिटार्डेशन है, डिलेड डेवलपमेंट के जो केसेस होते हैं, स्लो लर्नर्स के जो केसेस होते हैं, डाउन सिंड्रोम के केसेस हैं, इनमें बहुत हेल्प करता है म्यूज़िक थेरेपी। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं डिप्रेशन के, इसके अलावा केसेस मेरे पास है एडिक्शन के, जैसे अल्कोहल एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट्स हैं। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। पोस्ट ऑपरेटिव में जैसे पेन किलर की जगह हम म्यूज़िक थेरेपी को इंट्रोड्यूस करके पेन को कम करें, तो इन सब जगह इन सब फील्ड्स में म्यूज़िक थेरेपी बहुत अच्छे आउटकम्स देता है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपको कब लगा कि आपको म्यूजिक थेरेपिस्ट बनना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए? जी, बात है 95 या 96 के आसपास की। एक मौका मिला था मुझे एक मेंटली रिटार्डेड बच्ची के साथ एक एल्बम बनाने का। वो एल्बम मैंने तैयार किया, बनाया, मुझे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगी। वो मेरा पहला काम था एक स्पेशल बच्चे के साथ काम करने का। वो एल्बम जब मेरा बना तो मैं पूरे इंडिया में पहला म्यूज़िक कंपोज़र था जिसने एक स्पेशल बच्चे के साथ एक पूरा एल्बम तैयार किया। ये एल्बम को तैयार किया और मौका ऐसा था कि लता जी तक ये एल्बम पहुंचा। किस नाम से था? इस एल्बम का नाम था आशाएं, नेट पे अवेलेबल है। ये एल्बम लता जी तक पहुंचा, लता जी ने इस एल्बम को सुना, सुन के इतनी तारीफ़ की कि मुझे एक पर्सनल नोट अक्नॉलेज करके लिख के भेजा उन्होंने, और वहाँ से एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला कि स्पेशल बच्चों के साथ मुझे काम करना चाहिए, और तब से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ है और ये सफ़र अभी लंबा और चलेगा। अभी 6,000 बच्चे हो गए हैं, तो क्या टारगेट है दिलीप जी, कहाँ तक जाना है आपको? सवाल टारगेट का नहीं होता, सवाल ये होता है कि जितने नंबर्स का टारगेट नहीं होता है, सवाल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ें और मुझसे हेल्प लें। कोई संख्या आपके दिमाग में नहीं है? नंबर्स काउंटिंग से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुझसे हेल्प मिले। इसीलिए मैं हर जगह जाके पूरे इंडिया में और ऑनलाइन भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ कि अवेयरनेस बढ़े, लोगों को पता चले म्यूज़िक थेरेपी के बारे में, एक अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बच्चे मुझसे जुड़ें और हेल्प मिले उनको। पूरी ये प्रोसेस कैसे शुरू होती है? लोग आपसे जुड़ते हैं, फिर उसके बाद आप म्यूज़िक किस तरीके से तैयार करते हैं, उन तक कैसे पहुंचता है, वो पूरी प्रोसेस थोड़ा सा जी समझाइए। देखिए, जिनको मुझसे अपने बच्चों की हेल्प की ज़रूरत होती है वो मुझसे संपर्क करते हैं। जब वो संपर्क करते हैं तो पहले मैं बच्चे को समझने की कोशिश करता उनको हूँ। पता कैसे लगता है कि आप यहाँ पे म्यूज़िक थेरेपिस्ट हैं या आपसे संपर्क करना है? एक तो वर्कशॉप के थ्रू मेरे से संपर्क हो जाता है, दूसरा सोशल साइट्स में मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, इन सब जगह से कहीं ना कहीं से मेरा कॉन्टैक्ट उनको मिल जाता है। जब वो कांटेक्ट करते हैं पहले मैं बच्चे को समझने की कोशिश करता हूँ, पूरा ऑनलाइन होता है या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू। उसके बाद प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट किया जाता है कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको मुझे सॉल्व करना है या टैकल करना है। जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके हिसाब से हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को बेस रख के कुछ म्यूज़िक मैं तैयार करता हूँ। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हर राग में कुछ ना कुछ हीलिंग इफेक्ट रहता है या हीलिंग थेरेपी जुड़ा हुआ है। जैसे रिलैक्सेशन के लिए बिहेवियर इश्यूज़ एक
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से या स्लीप प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई राग रिलेटेड रहता है। उसको कोरिलेट करके जब मैं म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ और उस म्यूज़िक को ऑनलाइन पेरेंट्स तक मैं बेचता हूँ, उनको इस म्यूज़िक को दिन में 4 बार प्ले करना रहता है बैकग्राउंड में। जैसे ही वो म्यूज़िक को प्ले करेंगे, धीरे 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 बच्चे में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। फिर मैं उसको मॉनिटर करता हूँ, मॉनिटर करके ये सफ़र आगे चलता है पॉजिटिव आउटकम्स के साथ स्टेप बाय स्टेप। दिलीप जी, मेरा सवाल आपसे ये था और ये आखिरी प्रश्न है आपसे कि जब भी आप म्यूज़िक थेरेपी की बात कर रहे हैं तो ये किस तरीके का म्यूज़िक होता है, और ये इंडियन है, वेस्टर्न है, क्लासिकल है, फिल्मी म्यूज़िक है, क्या है ये? बताता हूँ। देखिए, ये बेसिकली हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में अनगिनत राग हैं। हर राग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है गाने का या सुनने का, और हर राग में कुछ ना कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नींद नहीं आ रही मान के चलें, अगर मैं राग सोहनी या राग बिहाग को अपने स्लीपिंग टाइम में रेगुलरली यानी कि रोज़ सुनूं, तो मेरा जो स्लीप पैटर्न है बहुत इम्प्रूव होगा। वैसे ही मान के चलिए, आजकल बच्चों में देखा गया है कि अटेंशन फोकस की बहुत दिक्कत है। नॉर्मल बच्चों की बात करूँ तो राग कल्याण का कोई भी म्यूज़िक हो, उसको अगर वो बैकग्राउंड में लगाएं और अपनी नॉर्मली एक पढ़ाई करें, तो उनके फोकस में बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। मेरा जो म्यूज़िक है ऐसे ही राग में बेस्ड रहता है, रागों को लेके उन रागों में मैं फ्यूजन म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ। देखिए, म्यूज़िक ऐसा हो जो बच्चा एन्जॉय करे, जो क्योंकि जब तक एन्जॉय नहीं करेगा तब तक हीलिंग प्रोसेस नहीं होगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है तभी सक्सेसफुल होगा। ये जो एक कॉन्सेप्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पे पूरे इंडिया में पहला मैं हूँ म्यूज़िक थेरेपिस्ट जो इस कॉन्सेप्ट को लेके काम कर रहा है, और इस कॉन्सेप्ट में के रिजल्ट्स आज तक बहुत अच्छे आए हैं। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। आपने हमसे बात करी दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे दिलीप मणि जी, जो कि भारत के पहले, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले व्यक्ति है जिन्होंने स्पेशल चाइल्ड के साथ एल्बम शूट किया था। 6,000 बच्चे लगभग इनकी थेरेपी से लाभ ले चुके हैं। यदि आपको इनसे जुड़ना हो तो हम इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए MP लाइफ। धन्यवाद।